नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। गुरुवार को उन्नाव जिले में यूपी के दो दिग्गज नेताओं के मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। उन्नाव जिले में हाईवे पर दो पार्टियों के बीच सियासी गठबंधन के संकेत मिले, जिसके बाद से यूपी के राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा गया है। आपको बता दें कि उन्नाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, जिसके चलते अब यूपी की राजनीति में हलचल मच गया है। आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल की संकल्प यात्रा लेकर लखनऊ से झांसी के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान हाईवे पर उन्होंने अचानक अपना काफिला रोक दिया और उतरकर सीधे शिवपाल सिंह यादव के पास पहुँचे, जहां पर राजा भैया ने शिवपाल यादव से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुशल क्षेम पूछा। इसके बाद सभी अपने रास्ते पर रवाना हो गए। आपको बता दें कि शिवपाल यादव और राजा भैया के इस मुलाकात से यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इस मुलाकात पर राजा भैया ने कहा कि शिवपाल यादव से हमारा पारिवारिक संबंध है। आपको बता दें कि लखनऊ से झांसी जा रहे राजा भैया का जगह जगह पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अचानक राजा भैया ने हाईवे पर अपना काफिला रोककर शिवपाल यादव से मुलाकात किया, जिसके बाद से यूपी की राजनीति में अब गठबंधन को लेकर अटकलें जारी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।